Hey, what is up guys, welcome back to my channel, everyone. I hope you're doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार आज की फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ मैं वापस एंड आज की इस वाली गेम प्ले पे मैं माइनक्राफ्ट पे मेरा जो बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग ने मेरा पूरा कैसल तोड़ने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब देखो यार इसको मैं फिर से रीबिल्ड बनाने वाला हूँ बहुत ही यूनिक स्टाइल से। ओके, तो इसके लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसको तोड़ने के लिए भाई साहब मेरे को बहुत दुख लग रहा है यार, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया यार, जो भी बनाया। हाँ मेरे को पता है कोई भी ढंग का चीज़ नहीं है, ये कैसल तो लगता नहीं है ढंग का, है ना। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं तोड़ूँ एंड इसको वापस से क्रिएट करूँ एंड थोड़ा सा बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसके लिए गाइज मेरे को ये पूरा वॉल जो मैंने खड़ा किया था भाई, दो दिन लगा था मेरे को, है ना, दो दिन नहीं कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, एक ही दिन लगा था, ठीक है। लेकिन लगा तो था गाइज, मेरे को कम से कम 5 से 6 घंटा देना पड़ा था इस वाले वॉल को मतलब क्रिएट करने के लिए। अब इस पूरे वॉल को मेरे को तोड़ना पड़ेगा और लिटरली मैं तोड़ने में सबसे ज़्यादा फटता है मेरा, क्योंकि यार लगाने में तो ईजी होता है यार, मतलब प्रेस करते करते जाओ लग जाएगा, लेकिन भाई तोड़ने में फट जाता है एक एक ब्लॉक भाई, तोड़ते जाओ। लेकिन गाइस चलो गाइस करेंगे, क्योंकि नया कुछ नहीं करेंगे तो भैया जी मज़ा नहीं आएगा। और बेसिकली मेरे को कुछ नया करना था, तो इसीलिए गाइस ये तो फिलहाल अब ये सीरीज़ जो है ना वो कंटिन्यू होता रहेगा। एंड जैसे जैसे मैं अपना कैसल फिर से रीबिल्ड करूँगा यूनिक स्टाइल से, वो भी आप लोगों को देखते मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोगों को, आप लोग अगर कोई भी कैसल वगैरह बनाना चाहते हो माइनक्राफ्ट पे, तो उसका भी एक अंदाज़ा लग जाएगा आप लोगों को, और फिर आप लोग भी बहुत ही बढ़िया सा कैसल बना सकते हो। ओके, अब देखो यार कैसल बनाने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो स्टोन्स होता है, ठीक है, और जो कि मेरे पास भरपूर मात्रा में है, ठीक है। और उसके लिए गाइज मेरे को ना कुछ ब्लैक स्टोन भी चाहिए होगा, क्योंकि मेरे घर को मेरे को डिज़ाइन भी देना पड़ेगा ना डूड, एक ही स्टोन से बनाऊँगा थोड़े ना, तो मेरे को ब्लैक स्टोन भी चाहिए होगा जिसके लिए मेरे को माइनिंग पर जाना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ मैं एरिया बना लूँ, ठीक है अपना। अब देखो ये जो दीवार वगैरह है इसको मैं तोड़ दूंगा, उसके बाद जो मेरा एरिया है वो बन जाएगा। ओके, अब एरिया बनने के बाद मेरे को अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा कैसल अब कैसा बनेगा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एरिया। अब देखो यार ये जो मेरा कैसल है जो कि पुराना वाला आप लोग जैसे देख सकते हो, जिसको मैं अभी तोड़ने वाला हूँ, भाई दुख हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, दिल पर हाथ रख के मुझे तोड़ना पड़ रहा है, बाकी चलो कोई बात नहीं। देखो यार ये जो कैसल है ना, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा पहाड़ है गाइस, माउंटेन है। ओके, इसीलिए मैं इस वाले कैसल को अच्छे से बना नहीं पा रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं इसको ना आराम से तोड़ देंगे, उसके बाद ये जो जगह है जो कि मैंने इतना बड़ा स्क्वायर फिट करके इतना बड़ा जगह बनाया है, इस वाले जगह को थोड़ा सा एक और मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही बोल सकता हूं, है ना, जिसको मैं एक्सपेंड करने वाला हूं, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और चौड़ा बनाऊंगा। उसके बाद बीचों बीच मैं जो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो जगह है ना, इस जगह के बीचों बीच मैं कैसल बनाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अब इस वाले जगह के बीचों बीच जब मैं कैसल बनाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि ये जगह फुल्ली मेरा है और बेसिकली चारों तरफ से घिरा रहेगा डूड, है ना, क्योंकि ऐसा सीन होता है ना कि वो जो आप लोग अभी मेरा कैसल देख सकते हो, उस वाले कैसल में होता क्या है, कभी कभी ना पीछे से जो पहाड़ होता है ना उसमें से गाइस ज़ॉम्बीज वगैरह आ जाता है, ठीक है, और बहुत सारी क्रीपर वगैरह भी आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग बाउंड्री करके बना लोगे अपना कैसल, तो भाई मतलब क्रीपर वगैरह भी नहीं आएगा, और हर जगह पर अगर लाइट वगैरह भी लगा दोगे तो भैया जी ज़ॉम्बी स्पॉन ही नहीं होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज अंधेरे में ही स्पॉन होता है। और जो मेरा घर है ना, मेरा जो कैसल है उसके पीछे अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है गाइस, इसीलिए गाइस वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन होते हैं और भाई साहब आ जाते हैं, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ गाइस क्रीपर को लेकर, तो इसीलिए गाइस मेरे को कुछ भी करके उनका जुगाड़ तो करना पड़ेगा कि भाई क्रीपर ना आए, भाई कुछ भी कर लो, उसके लिए मेरे को अभी बिल्ली पालना पड़ेगा। तो पहले मैं सोच रहा हूँ भैया जी कैसल बना लेते हैं, उसके बाद बिल्ली पालेंगे, बिल्ली पालने के लिए मेरे को पहले मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस बिल्ली खाता है मछली, और मछली को पकड़ने के बाद आप लोगों को पता है बिल्ली ढूंढना पड़ेगा, और पता नहीं बिल्ली कहाँ पर होगा। उसके बाद गाइस हम लोग सोच रहे हैं कि भाई डॉग्स को भी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉग्स ऐसा होता है ना कि भाई अगर तुम लोग एक ज़ॉम्बी पे मारते हो, एक
मॉब भी अगर आप लोग मारते हो, एक मॉब को अटैक करते हो, तो सारे के सारे डॉग्स मिलके उस वाले मॉब के ऊपर चढ़ जाते हैं। बेसिकली आपका बॉडीगार्ड हो जाएगा डॉग्स वगैरह, है ना, अगर आप लोग पालते हो तो। तो मैं पालूंगा गाइस, पहले कैसल बना लेते हैं, उसके बाद डॉग भी पालेंगे, ठीक है। और जितने भी एनिमल होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं मुझे मालूम है, ठीक है, जैसे जैसे मैं खेल रहा हूँ ना वैसे वैसे मेरे को पता चल रहा है कि अभी सिर्फ सिर्फ ये कुछ एनिमल नहीं है गाइस, अभी बहुत सारे एनिमल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रैबिट भी होता है, तो वो सारे सारे चीज़ों को मेरे को लेके आना पड़ेगा अपने कैसल पे, जिसके लिए मेरे को एडवेंचर पे निकलना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं एडवेंचर करूँ कि नहीं माइनक्राफ्ट पे, ठीक है। और एडवेंचर करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है गाइस, मेरे को एक कॉम्पास बनाना होगा, कम्पास। बिना कंपास के मैं घर वापस नहीं आ पाऊँगा, तो इसीलिए गाइस मेरे को पहले एक कंपास का जुगाड़ करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस अपन लोग जाएंगे एडवेंचर पे, जो कि भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, है ना। और एडवेंचर करेंगे गाइस, ओके। और जब हम लोग एडवेंचर करेंगे ना, तो उसका एक पूरा सीरीज़ आएगा, ठीक है। क्योंकि एडवेंचर भैया जी छोटा मोटा एडवेंचर नहीं होने वाला है, मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है यार जो डॉग्स वगैरह होता है ना, वो मतलब ऐसे आस पास में नहीं मिलता, मेरे को जाना पड़ेगा, या पता कोई विलेज मिल जाए, उस वाले विलेज पे मेरे को मिल जाए डॉग्स वगैरह, है ना, तो खोजना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अब देखो यार, पत्थर तोड़ने के लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पिकेक्स गाइस। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारी पिकेक्स बनाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि पिकेक्स टूट जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात, इतने सारे पत्थर है भाई, तोड़ते तोड़ते भैया जी पिकेक्स का भी पिक्स ये मुँह मेरे मुंह से निकलता नहीं है भैया जी, जो भी है, तो पिकेक्स का भी हालत पतला हो जाता है। तो इसीलिए गाइस मेरे को पिकेक्स बनाना पड़ेगा बहुत सारा, और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट बना दिया, बहुत सारे बना दिए हैं, ठीक है, जो कि ये पूरे वॉल को तोड़ने के लिए इनफ है गाइस। ओके, सो चलो गाइस, नाइट हो चुका है, तो अब मेरे को सोना पड़ेगा, फिर सुबह हो गए, फिर से मेरे को दीवार तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अभी तो फिलहाल ये दीवार तोड़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं वो माउंटेन तोड़ूंगा ना पीछे का, वो भाई साहब और भी ज़्यादा तकलीफ देगा मेरे को, क्योंकि भैया जी भाई तोड़ते तोड़ते भाई पूरा क्या ही बोलो भाई, तगड़ा वाला सीन होता है यार ना। अगर आप लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आप लोगों को पता है कि भाई जब तोड़ते हो भाई कितना ज़्यादा गंदा फील होता है, क्योंकि यार तोड़ते जाओ ख़त्म ही नहीं होता भाई, इतना सारा पत्थर भाई, ब्लॉक, इतने सारे ब्लॉक्स हैं ना भाई, क्या ही बोलो। बाकी अभी मैं आप लोगों को एरिया दिखा रहा हूँ कि कहाँ से मेरे को एक्सपेंड करना है, ठीक है। और वो जो एरिया है इसको थोड़ा सा, मतलब राइट का जो एरिया है ना उसको थोड़ा सा बड़ा करना है मेरे को, ताकि दोनों इक्वल लगे देखने में, ऐसा नहीं कि भाई लेफ्ट में बहुत जगह है और राइट में जगह ही नहीं है, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहता मैं। तो इसीलिए गाइस दोनों एकदम सिमिलर रहना चाहिए, दोनों एकदम बराबर रहना चाहिए, इसीलिए मैं एकदम पूरा आराम से तोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम है थोड़ा बहुत, है ना, ताकि मैं अपना कैसल बना सकूं। एंड ऐसा नहीं है गाइस, ये जो खेल होता है ना, ये खेल टाइम का ही खेल है गाइस, पेशेंस आप लोगों को देना पड़ेगा, बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर पेशेंस में दबा के, मेरे पास दबा के पेशेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब तक मैं कैसल बनाऊंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। बाकी एक एक एपिसोड में गाइस ये पूरा जो वॉल है, ये भाई साहब मतलब मेरे लिए तो भैया जी इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक एपिसोड में मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा वॉल है भाई, तगड़ा वाला, कितना बड़ा वॉल देख सकते हो, इसको अभी तोड़ते ही जाना है मेरे को, तोड़ते ही जाना है, ठीक है, जब तक ये फुल्ली टूट नहीं जाता तब तक मेरे को इसको तोड़ते ही जाना है डोड, है ना। और जब तक ये टूट रहा है तब तक मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग मेरे माइनक्राफ्ट खेलते हो तो आप लोग बोल रहे कि भाई मल्टीप्लेयर खेल मेरे साथ, तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए मैं मल्टीप्लेयर नहीं खेलने वाला हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये जो कैसल है इसको मुझे बनाना ही होगा कैसे भी करके, इस पे मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद अपन लोग मल्टीप्लेयर भी खेलेंगे। ओके, बाकी आप लोग जैसे देख सकते हो मैंने बहुत सारा ही तोड़ दिया एक ही एपिसोड में, अभी तो फिलहाल पता नहीं कितने सारे एपिसोड आने वाला है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ना इसके बाद मैं एपिसोड डायरेक्टली कैसल बिल्ड का ही लेके आ जाऊँ, ठीक है, क्योंकि भाई दीवार तोड़ने में कौन इंटरेस्टेड लगेगा, है ना, आप लोग भी बोलोगे भाई बोर क्यों कर रहा है ना। तो इसीलिए गाइस मैं सोच रही थी कि भैया जी जब मैं कैसल बनाऊँगा तब वो डायरेक्ट एपिसोड बनाऊँ, है ना, क्योंकि वॉल तोड़ने में शायद आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट ना लगे कि भाई क्या वॉल तोड़े जा रहे हैं खाली फोकट गया, है ना। तो इसीलिए गाइस मैं सोच रहा था कि वॉल वगैरह तोड़ देंगे, पूरा एरिया बना लेंगे, उसके बाद ही डायरेक्टली जब मैं कैसल बिल्ड करूँगा तब गाइस मैं उसका एपिसोड लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके, अगर कोई बंदा कैसल बिल्ड करना चाहता है तो आप लोगों को भी एक आइडिया आ सके कि भाई कैसल बिल्ड कैसे होता है।
तो अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ दीवार ही तोड़े जा रहा हूँ ठीक है ना। और इस वाले वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा खींचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ करने की ही नहीं है यार, सिर्फ मेरे को दीवार ही तोड़ना है, मतलब ये जो वाल है इसको ही तोड़ते जाना है। तो वैसे भी आप लोगों का बहुत टाइम खा लिया मैंने, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो गाइस, अगर तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना गाइस, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस रोज लेकर आता हूँ। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।